तो होली हो या दिवाली, दही वड़ा तो हम सारे फेस्टिवल में बनाना काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि ये हम सबकी फेवरेट होती है और इसे बनाना भी काफ़ी आसान होता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही वड़ा की बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी। बहुत से लोग इसे एक तरीके से बनाते हैं पर आज मैं आपको बिल्कुल अलग सा तरीका बताऊंगी जिससे आप दही वड़ा बिल्कुल फटाफट से बना पाएंगे, साथ ही इसका टेस्ट तो काफ़ी अच्छा आएगा। तो चलिए फटाफट से सुपर टेस्टी दही वड़ा की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 1 कप मूंग की दाल और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 कप उड़द की दाल। आप चाहें तो इन दोनों का मेज़रमेंट सेम भी रख सकते हैं पर मैंने यहाँ पे मूंग की दाल को थोड़ा ज़्यादा लिया है। तो दही वड़ा यहाँ पे मूंग की दाल का भी बनता है और साथ ही उड़द की दाल का भी बनता है और हम इसे कभी कभी मिक्स करके भी बना लेते हैं। तो आज हम बनाएंगे मिक्स करके। तो दही वड़ा बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमें दाल को यहाँ पे 8 से 10 घंटे के लिए पानी में भिगो के छोड़ना है। अगर आप इसे 3-4 घंटे गर्म पानी में भिगो के बनाएंगे ना तो फिर ये सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो हम इसे 8 से 10 घंटे के लिए फुला के छोड़ देते हैं। तो मैंने इसे रात में भिगो दिया था और मैं इसे सुबह बना रही हूँ। तो यहाँ पर दाल अच्छे से फूल चुकी है तो मैंने इसका पानी भी यहाँ पर गिरा लिया है और इसे वॉश करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो या तो आप इसे भिगोने के पहले वॉश कर दें या फिर इसे आप बाद में भी वॉश कर सकते हैं जब दाल हमारी फूल जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसे पहले ही वॉश कर लिया था भिगोने से पहले। तो 3 से 4 बार हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे क्योंकि गर्मियों के मौसम में ना इसमें थोड़ी थोड़ी स्मेल आती है दाल में, तो इसलिए हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। और आप चाहें तो मूँग की दाल को और उड़द की दाल को सेम बर्तन में भी आप भिगो के रख सकते हैं। तो हम फटाफट से दाल को मिक्सी में डाल के पीस लेंगे और ये देखिए यहाँ पे हम जार में मूंग का दाल डाल लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट हमें बहुत ज़्यादा भी पतला नहीं करना, दरदरा हमें इसे रखना है। और इसके बाद हम इसमें उड़द का दाल डाल देंगे और इसे भी हम पीस लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमने दोनों दालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और पानी का यूज़ हमें यहाँ पे नहीं करना क्योंकि अगर हम इसमें पानी का यूज़ ज़्यादा कर लेंगे ना तो हमें बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो हम इसे इस तरीके से हाथों से फेंट लेंगे और फेंटने में हमें एक चीज़ का यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि हमें इसे एक डायरेक्शन में फेंटते रहना है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे फेंट लेंगे। 7 से 8 मिनट तक हम इसे कंटिन्यू ऐसे फेंटते रहेंगे। जब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे ना तब इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें अच्छी सी वाइटनेस भी आ जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पे हमें 8 से 10 मिनट हो गए हैं फेंटते हुए और आप बैटर का कलर देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो गया है। तो हम इस तरीके से इसे फेंट लेंगे क्योंकि जब तक हम इसे अच्छे से फेंटेंगे नहीं ना तब तक हमारे वड़े अच्छे से बनेंगे नहीं, तो इसलिए हम इसे सबसे पहले अच्छे से फेंटते रहेंगे। और ये देखिए आप पहले और अब में डिफ्रेंस देख सकते हैं। तो हम इसे पानी में डाल के चेक कर लेंगे। तो पानी में अगर बैटर हमारा ऊपर आ जाएगा इसका मतलब है बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कद्दूकस किए हुए अदरक या फिर आप काट के भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं डाल दूंगी इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च पाउडर और मैं ले लूँगी यहाँ पर एक बाउल में गर्म पानी और इसमें मैं डालूंगी 1/2 चम्मच हींग और इसे मिक्स कर लेंगे हम। इससे क्या होगा ना बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डाल लेंगे यहाँ पर नमक और हम कर लेंगे यहाँ पे सारी चीज़ों को हाथ से अच्छे से मिक्स। ये देखिए आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं पर हाथ से करने से ज़्यादा अच्छे से मिक्स हो जाती हैं चीज़ें। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे 1 मिनट के लिए और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है तो हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम यहाँ पे दही रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कप दही ले लिया है और दही को हम यहाँ पे ऐसे फेंट लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे। और एक चीज़ का आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है कि दही हमारी थोड़ी खट्टी होनी चाहिए। तो हम दही वड़े बना रहे हैं तो दही तो थोड़ी खट्टी और चटपटी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे, ये देखिए। और हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है तो मैं डालूँगी इसमें 1/2 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, साथ ही हम डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हम डालेंगे इसमें चाट मसाला, काला नमक डाल लेंगे हम इसमें 1/2 चम्मच। यहाँ पे मैंने सूखी लाल मिर्च को भून लिया है और उसके बाद हमने इसे क्रश कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे हम यहाँ पे, साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। नमक का यूज़ हम इसमें थोड़ा कम करेंगे क्योंकि हमने काला नमक भी डाला था। और अब कर लेंगे हम मसालों को यहाँ पे अच्छे से मिक्स दही के अंदर डाल के। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ पे। और अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसमें बारीक हरी मिर्च भी काट के डाल सकते हैं या फिर आप इसमें लाल मिर्च पाउडर भी और ज़्यादा डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे हम इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए यहाँ पे दही में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे ना इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो इस स्टेज पे धनिया पत्ता भी बारीक काट के डाल सकते हैं, या फिर आप जब सर्व करेंगे आप उस टाइम भी धनिया पत्ता डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दही हमारी रेडी हो चुकी है, तो मैं ले लूँगी यहाँ कढ़ाई। और कढ़ाई में हम अच्छे से ऑयल को पहले गर्म हो जाने देंगे, तो यहाँ पे हम ऑयल को पहले अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा बैटर डाल के चेक कर लेंगे कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तो ये देखिए ऑयल में बैटर डालते ही बबल्स आने लगे, इसका मतलब है ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम इसमें डाल लेंगे एक एक करके। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसमें डाल लेंगे, और आप इसे थोड़ा सा आराम से डालें। ये देखिए बिल्कुल और हम इसे पलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पे लो टू मीडियम रखेंगे। अगर आप फ्लेम हाई कर देंगे ना तो ऊपर से तो पक जाएगा पर अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो इसलिए आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं। और ये देखिए यहाँ पे वड़ा हमारा फ्राई हो चुका है, पर इसे हम थोड़ा सा और यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। तो ये लीजिए हम फटाफट से इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम बाकी के वड़ा भी इसमें फ्राई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसमें डाल लेंगे एक एक करके, और इसे भी हम पलट के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे ये भी फ्राई हो चुके हैं, तो हम इन्हें भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए अच्छे से हम इसका ऑयल निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको एक वड़ा दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं वड़ा बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो चुका है, और आप देख सकते हैं बिल्कुल फूली फूली हमारी पकौड़ी बनके यहाँ रेडी हो चुकी है। तो हमने जो दही में मसाले डाल के रेडी किए थे ना, उसमें हम ये वड़ा डाल लेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम फटाफट से इसे सर्व कर लेंगे। ये लीजिए सुपर टेस्टी मज़ेदार और बिल्कुल चटपटा दही वड़ा बन के बिल्कुल रेडी है। दही वड़ा तो हम सबको बनाना आता है, पर बनाने का तरीका सबका अलग रहता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाया होगा, और जब आप इस तरीके से बना लेंगे ना तो आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। तो आप इसे होली में, दिवाली में, या फिर आप इसे रक्षाबंधन में भी ज़रूर बनाएं, या फिर आप इसे नॉर्मल डेज में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसे बनाने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। आप कभी भी इसे बना के रेडी कर सकते हैं। और आपने देखा मैंने इसे बिल्कुल आसानी से बना के रेडी कर दिया है। तो आप एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएँ ये रेसिपी आपको कैसी लगी।